अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया, प्रोग्राम अपना घर की एक नई एपिसोड के साथ। प्रोग्राम अपना घर आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जारी और सारी है, आगे भी चलता रहेगा आप लोगों की दुआओं से। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज हम मौजूद हैं प्रीसेंट 27 में। हमारे एक बहुत ही वैल्यूएबल क्लाइंट है जिनका विला PPL होम्स के तावुन से कंस्ट्रक्शन के लिए आज उसकी डिगिंग सेरेमनी है और यहाँ पे हम लोग सब जमा हैं। मेरे साथ आज जो एक सेलिब्रिटी मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग फेस वैल्यू से बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद हनीफ भाई, इनसे हम बात करते हैं। बेसिकली ये जो विला कंस्ट्रक्शन के लिए आज इसकी डिगिंग सेरेमनी है, ये PPL होम्स और हाईटेक का जॉइंट वेंचर है, और बेसिकली मोहम्मद हनीफ भाई जो हैं ये हाईटेक से बिलोंग करते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं आफिस साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। हनीफ भाई, सबसे पहले तो मुझे बहरिया का ओवरऑल बताइए कि जब से आप बहरिया आ रहे हैं, आपको इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है और यहाँ पे काम कैसा लग रहा है, डेवलपमेंट कैसी है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, एटमोसफेयर कैसा है? आफिस साहब, मैं ये कहूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था बहरिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मिनी दुबई में आ गया हूँ। सही, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लांट है ये जी, वेरी गुड वर्किंग बाय ऑल मीन्स यू कैन से। आई मीन हम सोच भी नहीं सकते, यानी मैं तो एटलीस्ट आने से पहले ये सोच भी नहीं सकता था कि ये भी कराची में चीज़ें हो सकती हैं। करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल डिलीवर करने वाला, डिलीवर करने वाला। और मैं मलिक रियाज साहब को मैं क्या हूँ बहरहाल फिर भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वर्किंग की, यानी बहुत अच्छी वर्किंग, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर कवर एरिया है ये, बिल्कुल ऐसे। और इस पर इतनी अच्छी वर्किंग, इतना अच्छा आई मीन रोड सिस्टम और ग्रीनरी वो जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला विद इन 3-4 ईयर्स मैं समझता हूँ कि कराची में बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश तो होगी। एक्सीलेंट, अल्लाह ताला इसको नजरबस से बचाए, आबाद रखे, और हम सबका फर्ज है जी। देखिए, हम सबका फर्ज है, उन्होंने एक चीज डिलीवर कर दी है, अब हम इसको अच्छी तरह लेके चले, लेके चले जी। अच्छा, जब तक आपने देखा नहीं था, सुना था तो ख्वाब लगता था, जब तक आप एक दफा आई व्यू नहीं कर लेते बहरिया टाउन का, तब तक बिलीव ही नहीं आता। सर ये ख्वाब भी नहीं लगता था, माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी चीजें हुई नहीं है। तो अब भी जितने लोग इसको विजिट नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, वो देखें, सही घूमने आए, सही। इवन मैं समझता हूँ पिकनिक के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी जगह है। आएंगे इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ वो इसके होके रह जाएंगे, इसके होके रह जाएंगे, दैट इज बहरिया टाउन। सही। अच्छा हनीफ भाई, थोड़ा सा PPL के बारे में बताइएगा, आपकी PPL के साथ भी एसोसिएशन है, मुलाकात रहती है, PPL एक इदारा कैसा है, और अदनान साहब के बारे में बताइएगा, आपकी मुलाकात रही है उनसे? सर मैं कहूँगा कि ही इज रियली अ लीडर। थैंक यू। विद इन 2 ईयर्स अगर बंदा 7-8 आदमियों से एक टीम लेके चले, और विद इन 2 ईयर्स क्योंकि कोई आई मीन पीरियड ही नहीं है जी जी, 150-200 की अगर उनकी टीम बन जाती है तो ये अल्लाह की तारीफ है सबसे पहले, बेशक बेशक सर, और फिर ये अदनान भाई की लीडरशिप है, बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स जी, तो ये नाम एक तो इन्होंने वाकई रखा, उसको प्रूफ किया, प्रूफ किया, प्रूफ कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जैसे वक्त गुजरेगा, अल्लाह करेगा, तो इसमें और बेहतरी आएगी, टीम बढ़ेगी आपकी, काम बढ़ेगा, क्योंकि आप हिस्सा हैं PPL का, बेशक बेशक। और ये अपना घर जो आपने नाम रखा है ना, रियली बहुत आला है। सही, यानी बहरिया का भी एक स्लोगन है कि आए अपना घर बनाए, अपना घर बनाए, और बड़े रीजनेबल वे में, विद गुड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट यू कैन से, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका यूट्यूब का चैनल PPL का एक्सीलेंट, अल्लाह ताला आबाद रखे। अदनान भाई से मैं खुद मिला हूँ, ही जेंटलमैन, आई मीन डाउन टू अर्थ हैं, और वो काम को समझ के करते हैं, और मुझे पता चला है कि विद इन दिस 2-3 ईयर्स 5-6 ऑफिसेज हैं आपके यहाँ बहरिया टाउन में, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में तो 50% बहरिया PPL ही डेवलप कर रहा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हनीफ भाई, आप की एसोसिएशन है हाईटेक से, वो रियल स्टेट का काम भी कर रहे हैं और उसका कंस्ट्रक्शन का भी कर रहे हैं, इस बारे में बताइए कि रियल स्टेट का काम बहरिया में और कंस्ट्रक्शन का काम आपको कैसा लगा? अच्छा, सबसे पहले मैं भूल गया था हाफिज साहब, अल्लाह ताला मुबारक करे PPL को और हाईटेक को जी जी, जिनका ये जॉइंट वेंचर है जी, बिल्कुल, और अल्लाह मुबारक करे हमारे जो ऑनर है इस प्लॉट के और इस अपकमिंग विला के असद साहब, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। जहाँ तक हाईटेक का है ना, देखें सलमान, मैंने बड़ी मेहनत की है,
और मैं रियली ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं पीपीएल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, लेकिन अदनान भाई ने जब ये ऑफिस इन्होंने हमने शुरू किया था आई थिंक बिफोर 6-7 months, तो अदनान भाई पहले बंदे थे जो ऑफिस में आए थे, ऑफिस में आए थे, तो उनका बड़ापन देख लें आप। ऐसे ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते नहीं मैं आपको भी खा जाऊं, आपका रिस्क तो छोड़ ही नहीं आपको भी खा जाऊं। अदनान भाई वो है जो कहते हैं नहीं सुभान अल्लाह आप काम करें हम आपके हम साथ हैं, यानी पीपीएल का ये स्लोगन भी है जी जी, आप काम करें हम आपके साथ हैं। सर पीपीएल का एक स्लोगन मैं आपको बताता चलूं, ग्रो विद पीपीएल, वो हम एजेंट्स के लिए भी है और वो मार्केट के लिए भी है और वो एंड यूजर के लिए भी है। आप काम करें हम आपके साथ, हम आपके साथ, इन अदर वर्ड्स दे बिलीव इन ग्रोइंग पीपल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत बड़ी बात है सर, मैं क्या कहूँ, बस ये कहूंगा कि अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए और हासिदों से बचाए, हासिदों से, क्योंकि हमारे मसला ये बहुत बड़ा है ना, हम टांग खींचने वालों में, टांग खींचने वालों में। हनी भाई मैंने आपसे पूछा था उसके बारे में बताइएगा, कंस्ट्रक्शन का जो काम आपकी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है और रियल स्टेट का जो काम है उसके बारे में भी अपने व्यूज दीजिएगा। देखिए मैं पिछले कोई 7-8 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ हाईटेक से, सही, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद विजिट किए हैं जो इन्होंने पिछले प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ रियली आई मीन यू वॉन्ट बिलीव इट, ये नहीं कि मैं उसका हिस्सा हूँ, तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा हूँ मैं उसका, लेकिन सलमान भाई बड़ी दयानतदारी से ईमानदारी से बगैर किसी कंप्रोमाइजिंग के काम करते हैं। अगर आप वो जो सीरिया लगता है उसके अंदर सीमेंट जो लगती है बिल्कुल, बिल्कुल, लोग उसी में चोरियां करते हैं नॉर्मली, यही चीज है, और एट द एंड ऑफ द डे जब फिनिशिंग होती है उसके मटेरियल में जो गड़बड़ होती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ये मैंने हमेशा इनसे कहा है कि इसको कंटिन्यू रखिएगा एंड ही विल एंड दैट्स द रीजन ही इज एंजॉयिंग, सही सही। और अब आपका साथ हो गया पीपीएल का, तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा। अच्छा नहीं भाई, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपको जो है जानते हैं मानते हैं, जो न्यू कमर्स हैं बहरिया में आने वाले या जो सोचते हैं और किसी वजह से रह जाते हैं, वो नए आने वालों को आप क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे बहरिया में आने के लिए? ये तो मैंने पहले ही कह दिया था हाफिज साहब के पिकनिक करने आए हो, मैं नहीं कहता कि आगे खरीदें, मैं कभी भी नहीं कहता, ठीक है, नेवर, क्योंकि देखिए हम अगर किसी को कह के बेच रहे हैं ना तो मीन्स उसमें हमारा भी मकसद हो जाता है शामिल, ना है ना खरीदे हमसे, कुछ ना करें, आके विजिट करें, आप विजिट करें, विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ के होकर रह जाएंगे, अपने वीकेंड्स यहाँ पे स्पेंड करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, नहीं है खेलने की जगह है बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी, जी जी बिल्कुल, और इवनिंग में तो मैं आया हूँ कई बार, एक्सीलेंट, आपको मुझसे बहुत बेहतर, इससे अच्छा यानी जस्ट लाइक यू आर ऑन द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, तो आप आए ना खरीदें आप नो इशू, लेकिन जब आप आएंगे ना यहाँ पे सर जी, तो जिस तरह आप यहाँ के होके रह गए, मैं यहाँ का होके रह गया, हमारे कई आर्टिस्ट भी यहाँ रह रहे हैं, अच्छा, देन दे आर एंजॉयिंग, हालांकि आप सोचें कि यहाँ से डिफेंस कितना दूर है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे डिफेंस में होती है जी जी, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इतना मजा आता है कि क्या बताएं, तो ये वो जगह है कि आप आए आप देखें, क्योंकि जब तक हम देखते नहीं अपना पर्सनल आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, आप किसी की ना सुने, आप कमेंट्स ना दें ना सुने, हमारा आई व्यू करें आके, वेरी सिंपल, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक वीकेंड का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, पिकनिक भी हो जाएगी, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, और आप फ्यूचर के बारे में एक अच्छा प्लान कर सकेंगे वंस यू विल बी इन बहरिया टाउन। सही सही, यानी भाई बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त का भी और आपकी बातों का भी, थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, अल्लाह ताला अपना फजल करम हम सब पे जारी रखे, आमीन, क्योंकि उसका फजल ही है कि हम खड़े हैं, ठीक है ना, और हमें मिलजुल के काम करने वाला बनाया है, क्योंकि जो रिस्क आपका है वो आपका है, एग्जैक्टली सर, हमारा है वो हमारा है, बिल्कुल, तो क्या ही अच्छा है कि हम खुश हों एक दूसरे के रिस्क के लिए, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नीफ भाई। जी व्यूअर्स आपने नीफ भाई की बातें सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे कंसल्टेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने होस्ट हाफिज़ उमर ज़िया को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।